चंबा का ऐतिहासिक चौगान नंबर एक बुधवार को आम जनमानस की आवाजाही के लिए खुल गया। बुधवार को चौगान नंबर एक खुलने के बाद काफी संख्या में लोगों ने समय बिताया और आराम भी फरमाया। हर साल 15 अप्रैल के दिन चौगान लोगों के लिए खुल जाता है, मगर इस बार प्रशासन की ओर से 17 अप्रैल को चौगान को लोहे की जंजीरों से मुक्त किया। गौरतलब है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में चौगान को बंद कर दिया जाता है, जिससे चौगान के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा सके। करीब 5 माह तक चौगान में आम जनमानस की आवाजाही पर ब्रेक रहती है, साथ ही कोई भी गतिविधि नहीं होती। 15 अप्रैल को चौगान खुलता है, इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं चौगान में होती हैं। दूसरी तरफ ऐतिहासिक मिंजर मेला सहित दशहरा पर्व का आयोजन चौगान में ही होता है। तीन महीने बाद ये हमारा चंबा का चौगान खुला है और बहुत ही अच्छा मौसम भी है और घूमने को भी 3 महीने के बाद चौगान में मिल रहा है और लोगों के साथ भी जो हमारे 3 महीने या 5-6 महीने पहले जो फ्रेंड जो बिछड़ गए थे वो भी आज यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुहावना मौसम भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भूपेंद्र और आज के ये चौगान बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 महीने बाद खुल रहा है और बहुत ही हरियाली है यहाँ पे। बंद था तो हम सैर नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ ये खुल गया तो अब सभी लोग सैर कर रहे हैं। जी, मेरा नाम चुनी लाल है और मैं गोहाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और जैसा कि लगता है कि चंबा में 2-3 महीने जो है चौगान बंद रहता है, परंतु जैसे ही अभी चौगान खुला है तो लोगों के बीच एक अलग ही मस्ती दिखाई दे रही है और अच्छा ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि चौगान बंद रहने से जो है लोगों के बीच अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, उनके हाव-भाव बोल चाल जो है अलग हो जाते हैं। जैसे ही खुलता है तो लोगों के बीच बहुत ही मस्त नज़ारा आता है और इसी तरह से हम भी आ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठने में और बातें करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे भी जो है लोग ज़्यादातर जो है मेरा मानना है कि चंबा का नज़ारा तो चौगान को ही माना जाता है। मेरा नाम थान सिंह है, मैं चौगान क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज हम चंबा के यहाँ क्षेत्र में आए और हमें यहाँ आकर अच्छा लगा। हम बहुत ही मस्ती से यहाँ घूमे फिरे। आज कल हमारा ये चौगान भी खुल चुका है।